हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास है असूस का टफ A17 गेमिंग लैपटॉप और इस बार मैंने इसका मॉक स्विच ऑन कर लिया है जो कि इसके ग्राफिक्स को और अच्छे से निकालता है और इसके FPS को बढ़ा देता है। तो इसी के ऊपर मैंने कल वीडियो डाली थी जिसमें मैं इसको ऑफ़ करके खेल रहा था और इसके अल्ट्रा सेटिंग पे लगभग 55 to 50 FPS 60 FPS जा रहे थे, लेकिन अभी आप अपने साइड में राइट साइड में देख सकते हैं ऊपर 80 FPS तक आ रहे हैं। और अगर मैं आपको सेटिंग्स दिखा दे रहा हूँ कि सेटिंग्स क्या क्या है मेरी, ये सारी मेरी सेटिंग्स हैं इस। लेकिन पिछली वीडियो में MS8x2 था, इस बार मैंने x4 कर दिया, उसके बाद भी इतने अच्छे पीस निकाले, सब कुछ वेरी हाई है। जो भी अल्ट्रा होना है मैं उसको मैंने अल्ट्रा कर दिया है। रिफ्लेक्शन MS8x8 है, ग्रास क्वालिटी अल्ट्रा है, पुस्ट एफेक्ट्स अल्ट्रा है, सब कुछ मैंने हाई वेरी हाई अल्ट्रा पे कर रखा है, जो भी हाई अल्ट्रा होना था। उसके बाद भी FPS काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं, 77 78। FPS 71 से नीचे नहीं है, 70 71 68 तक जा रहे हैं FPS। एक बार गाड़ी ड्राइव करके देखते हैं, 72 जैसे आप देख रहे हैं FPS काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इस बार। FPS काउंटर राइट साइड में है, तो FPS 70 68 तक ही जा रहे हैं, उससे नीचे जा ही नहीं रहे हैं। ये मेरे एक दोस्त ने अभी इसमें सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि मॉक्स को ऑन करके खेलो। सेवेंटी सिक्स काफ़ी अच्छे FPS आ रहे हैं। कल इतने में लगभग 55 50 तक FPS जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा FPS ड्रॉप हो रहे थे, कहीं कहीं तो 47 48 तक जा रहे थे। और आज मैं इसमें मैन्यू PC ट्रेनर डालूंगा जो कि आज कल इसकी वीडियो में कल डालूंगा। काफ़ी सारी वीडियो आएंगी कार कास्ट की, इंस्टॉलेशन की, और मैं इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ इंस्टॉल भी करूँगा। FPS 70 75 72, हम इसके FPS को लो पर एक बार लो पर चेक करेंगे कि लो पर कितना FPS आता है, क्योंकि जब वेरी हाई पे इतना अल्ट्रा पे इतना अच्छा FPS आ रहा है तो लो पर भी का बहुत ज़्यादा ही अच्छा, मेरे ख्याल से शायद 100 FPS तक चला आया। तो मैं भी आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो मैंने लो सेटिंग्स कर ली हैं और जो FPS आप देख रखें 127 चल रहा है, 141, और CPU पूरा 4300 MHz पर क्लॉक है। RAM 6000 RAM 6 GB यूज़ हो रही है, 6 to 7 GB, और FPS बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, 130+ FPS आ रहे हैं एकदम। मैंने सब कुछ नॉर्मल कर दिया, 130 110 100 up to 100 FPS आ रहे हैं। एक बार मैं आपको सेटिंग्स दिखा दे रहा हूँ, FX ऑन, MS8x2 कर दिया इस बार, पिछली बार तो शायद ऑफ था। सब कुछ मैंने नॉर्मल कर दिया, रिफ्लेक्शन भी 1x2 कर रखा है मैंने, सॉफ्ट नॉर्मल सब कुछ मैंने नॉर्मल कर दिया है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे FPS निकल आ रहे हैं, 119 115, मतलब 120 100 से नीचे जा ही नहीं रहे 110 से, और फिर भी इतना नॉर्मल कर रखा है, फिर उसके बाद भी ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। हाँ, अभी 18 तक गए थे, 108 109, लेकिन 100 up to 100 अभी भी जा रहे हैं, 100 से नीचे जा ही नहीं रहे FPS। तो
जैसे हाई क्वालिटी ग्राफिक्स वाली वीडियो मैं बाद में डालूंगा, क्योंकि उसमें मैं MSI का आफ्टर बनना ऑन करना भूल गया था। FPS काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया, 90 तक गए थे अभी, 91। फिर से 100। पता नहीं यार कैसे यार रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, तो मैं दोबारा एक बार वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। पर 90 120 तक FPS आ रहे हैं। वन फिफ्टी 153 तक FPS गए हैं इसके, और अभी ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल नॉर्मल पे है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक बार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में फोर्जा होराइजन 5 पे लेकर आऊँगा, और उस पर हम बिल्कुल नॉर्मल से लेके हाई क्वालिटी तक टेस्ट करेंगे, और उसमें रे ट्रेसिंग भी है, जो कि मैं रे ट्रेसिंग भी मैं हाई पे ऑन करके खेलूँगा, और काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स निकल आते हैं रे ट्रेसिंग के बाद। ग्राफिक्स और उसके जो ब्राइटनेस, उस रिफ्लेक्शंस का रे ट्रेसिंग मैक्सिमम रिफ्लेक्शंस के लिए होता है, और उसमें रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे ज़्यादा निकल के आते हैं। मैंने अभी खेला भी था, और मैं वीडियो डालूंगा अभी, तो ये वीडियो कल तक, कल या परसों एक दो दिन में वीडियो मैं डाल दूंगा इसकी, फॉर्जा होराइजन के लिए। उसके बाद होराइजन ज़ीरो डाउन और काफ़ी सारे गेम्स हैं मेरे पास, द विचर, इसके वीडियो में डालूंगा। और FPS आप देख सकते हैं 148 147 तक चल रहा है। तो ठीक है गाइस, एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगी तो।